हेडलाइंस ऑफ द वीक। आदिल खान ने की है बिग बॉस 12 फेम सोमी खान से शादी। एक इवेंट के लिए भारत पहुंचे हैं प्रियंका चोपड़ा। एड शीरन कॉन्सर्ट से पहले स्पॉट हुए हैं बॉलीवुड सेलेब्स के साथ। पुलकित सम्राट ने शेरवानी पर लिखवाए हैं गायत्री मंत्र। की है कृति खरबंदा से शादी, लिए हैं साथ फेरे। जला पेट लेकर लैक्मे फैशन वीक पहुंचे हैं सारा अली खान, नजर आए हैं चमचमाती। अब खबरें विस्तार से। आदिल खान ने शादी कर ली है। यस, यू हर्ड इट राइट। डैट आदिल खान, हु इज इन एक्स ऑफ राखी सावंत, गॉट मैरिड टू बिग बॉस 12 फेम सोमी खान ऑन 3rd ऑफ मार्च इन जयपुर। साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान आदिल खान ने ये भी कहा कि हम दोनों शादी रमजान से पहले करना चाहते थे ताकि हम रमजान आराम से मना पाएं और साथ में मना पाएं। आदिल खान ने राखी की बात करते हुए ये भी कहा कि आई डोंट वांट टू रिकॉल माय डर्टी पास्ट, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं रखती। अब बात करूंगा प्रियंका के भारत आगमन की। नमस्कार। यस, आई नो यू ऑल आर थिंकिंग शी इज नॉट देसी विदेशी, ये सब कुछ जो कॉमेंट्स हैं प्रियंका की पोस्ट पर, वीडियोस पर किए गए हैं। लेकिन प्रियंका को ऐसा कहा भी जाता है कि भारत का पानी सूट नहीं करता, डार्क लग रही है, ये तो सीधा कमेंट कर दिया एक लड़के ने। गाइस, कमेंट्स जो मर्जी कर लो, उनका गले का सांप जो है दैट वाज ऑफ 58.65 लाख, हिंदी मुझे आता नहीं तो मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। और ऐसा बोलते हैं, कमेंट्स में बोला जा रहा है कि प्रियंका हमेशा सिर्फ पैसों के लिए भारत आती है। एज शी केम फॉर हर वर्क विद बुल्गारी ब्रांड एंड यस शी डिडंट अटेंड बोथ दी शादीज ऑफ परिणीति चोपड़ा एंड मीरा चोपड़ा। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू शेप ऑफ यू, आई मीन स्टुअर्ट लिटिल का बड़ा वर्जन। यस गाइज, जब तक हम शूट कर रहे हैं तब तक तो वो भारत में ही मौजूद हैं, और इनके भारत आते ही हर जगह इनकी फोटोज़ वीडियोस वायरल होने लगी हैं। गौरी खान के साथ सबसे पहले विजुअल जो है उनके दिखाई दिए थे, और उनकी मुलाकात के बाद शाहरुख खान के साथ भी पिक्चर्स इनकी वायरल हैं। एवरीवेयर ओनली एड, इतनी तो ऐड नहीं चलती जितना ऐड चल गया, कमाल की बात। लेकिन यस, आप इनका कॉन्सर्ट में जा सकते हैं अगर आप निबन भी हैं, नहीं जाने वाले तो घर पर आराम कीजिएगा, छुट्टी का माहौल होगा। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि भारत अगर आए हैं तो क्रिकेट तो खेलना बनता ही है, वो नजर आए तन्मय भट्ट के साथ खेलते हुए, और साथ ही साथ शुभमन गिल के साथ भी स्पॉट हुए हैं। अब बात करूंगा हमारी सारा अली खान की। नमस्ते दर्शकों, दरअसल सारा अली खान ने अपना पेट जला लिया है, और खबर जो है खुद ही सोशल मीडिया पर साझा भी की है। एक्चुअली में सारा उस समय अपनी दो फिल्म्स ए वतन मेरे वतन और साथ ही साथ मर्डर मुबारक के प्रमोशंस में बिजी थी। बिजी होने के चक्कर में इतना भूल गई वो कि शायद कॉफ़ी गलती से उन्होंने अपने पेट पर गिरा ली, जिसकी वजह से ये हादसा उनके साथ वैनिटी में हो गया। अब कॉफ़ी गिरी है या कुछ और, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, बट पीपल आर कॉमेंटिंग एंड सेइंग द सेम। उड़ीसा पोस्ट ने ये क्लेम किया है कि वो कॉफ़ी ही थी। बात करते हुए सारा अली खान लिखती भी हैं कि वेलकम टू सारा का सारा रेडियो, आज की ताज़ा खबर ये है कि आई गॉट बर्न्ड, क्या करें, लेसन इज लर्न्ड। खैर, कॉफ़ी गिरने के बाद फैंस जो हैं काफ़ी दुखी भी नज़र आ रहे हैं, बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद सारा अली खान लैक्मे फैशन वीक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करती नज़र आई हैं। उनका कॉन्फिडेंस सेज इट ऑल, के पेट जला है तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। अब जाते जाते मंगल काम की मैं बात करूंगा, यानी के फुकरे के हनी भैया की शादी कृति खरबंदा से 15 मार्च को हो गई है। अब उन्होंने फोटोज जो है वो 16 मार्च को रिलीज की हैं, शायद नजर का जो है वो फर्क उनको नजर आता होगा। अब फैंस को फोटोज जो है शेयर करके ट्रीट भी दे दी है। शादी मुंबई एंड गोवा में कहीं नहीं हुई है बल्कि दिल्ली में हुई है। थैंक गॉड दूल्हे एंड दुल्हन के कपड़ों में थोड़ा सा बदलाव हमें नजर आया, रंग अलग थे, और पुलकित की शेरवानी पर यस गायत्री मंत्र लिखा था, और कृति की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। एंड दैट्स ऑल, ज़्यादा बोलेंगे तो एडिटर बोलेगा कि कितना एडिट करना पड़ रहा है। जस्ट मेकिंग टू यू नो ट्राइंग टू मेक इट हैपन, दिस इज वॉट आई हैव नेम्ड इट एज द फिल्मिंग एंड वीकली रिपोर्ट। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ, बस्तर की कहानी वुड बी दी फिल्म ऑफ द वीक, क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो आपके दिल को छू जाएगी। आप क्विकली अगले वीकली रिपोर्ट की बात का इंतजार कीजिएगा। आई एम आस यादव साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।